Hello students, this is Suruchi Garg. I am here with a new topic of history, which is revolutionary movement of India's freedom struggle and its revolutionaries. I hope mera ye video aapke liye beneficial rahe. So my today's topic is about Indian Revolt 1857 and its revolutionary movement. So sabse pehle Indian Revolt of 1857, which we have already discussed in our last video. उसमें हमने ये भी discuss किया था कि आखिर 1857 की revolt क्यों हुई थी. उसके causes को हमने 5 group में divide किया था. Does anyone remember कि वो 5 causes क्या थे? Yes. तो उसके मैं बताती हूँ आपको. उन causes को हमने divide किया था. The first was political causes. Second, economic causes. Third, social and religious causes. Fourth, military causes. And fifth, immediate causes. तो ये जो immediate causes हैं, यही revolt का सबसे बड़ा खास reason था. तो क्या था ये immediate causes? उस समय Britishers introduced a new rifle, which cartridge was made up by the use of cow and pig's fat, which has to be torn by teeth before use. Means ब्रिटिशर उस समय एक न्यू राइफल लाए थे जिसमें एक कार्ट्रिज लगा था. वो काउ और पिक के फैट से बना हुआ था जिसे यूज में लेने से पहले दांतों से काटना पड़ता था. इस वजह से सोल्जर्स ने रिवॉल्ट स्टार्ट कर दी थी. एंड अब आपका क्वेश्चन ये आएगा कि ये रिवॉल्ट सबसे पहले किसने स्टार्ट करी एंड ये रिवॉल्ट कब हुई और सबसे पहले किस सोल्जर्स ने ये रिवॉल्ट स्टार्ट की. तो मैं आपको ये बता दूं कि इस रिवॉल्ट की प्री डिटरमाइंड डेट 31 मई 1857 थी. बट ड्यू टू दैट राइफल, उस राइफल की वजह से बैरकपुर के कंटोनमेंट ने में सोल्जर्स ने 29 मार्च को ही ये रिवॉल्ट स्टार्ट कर दी. और वन सोल्जर मंगल पांडे शॉट टू ब्रिटिश ऑफिसर, एक सोल्जर मंगल पांडे था उसने दो ब्रिटिश ऑफिसर्स को शूट कर दिया और इस वजह से ही वॉज हैंग्ड ऑन 8 अप्रैल 1857. 8 अप्रैल 1857 को उसे फांसी पर चढ़ा दिया गया. देन यू ऑल नो दैट व्हाट वाज द डेट ऑफ रिवॉल्ट, 31 मई 1857. रिवॉल्ट की डेट 31 मई थी. बट टिल 10 मई तक ये रिवॉल्ट पूरे इंडिया में फैल गई. By the end of this revolt, the rule of East India Company ended and it came under the hands of Crown and Parliament of England. 1857 की इस revolt के खत्म होने तक इंडिया में British East India Company का rule भी end हो गया. But British East India Company का rule end हुआ, Britishers का rule end नहीं हुआ. तो फिर उसके बाद ये सारा जो इंडिया का रूल था वो किसके हाथ में चला गया, क्राउन एंड पार्लियामेंट ऑफ इंग्लैंड, उनके हाथों में ये सारा रूल चला गया. अब ये रिवॉल्ट हुई 1857 में और हमें फ्रीडम कब मिली, 1947 में. तो ये 90 इयर्स तक क्या हो रहा था, क्या ब्रिटिशर्स ने हमें आजाद रहने दिया, हम लोग बहुत सुखी से रह रहे थे. तो उसके बीच में भी धीरे धीरे नए नए रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट होते गए, कभी छोटे कभी बड़े. तो रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट को हमने उसमें जो खास रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट हुआ जो फोर्थ के बारे में बताना चाहूंगी, एक था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, दूसरा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, थर्ड जलियांवाला बाग मसाकरे, फोर्थ क्विट इंडिया मूवमेंट. तो ये बहुत बड़े बड़े मूवमेंट्स हुए थे. नाउ फर्स्ट है जलियांवाला बाग मसाकरे. तो जलियांवाला बाग मसाकरे कब हुआ था, डज एनीवन रिमेंबर, किसी को आइडिया है जलियांवाला बाग मसाकरे के बारे में? यस, देखिए जलियांवाला बाग मसाकरे हुआ था 13 अप्रैल 1919 को. बट योर क्वेश्चन इज दैट कि आखिर ये मसाकरे हुआ क्या था, क्या था इसके अंदर. तो देखिए हम लोग स्टडी करते हैं. ए पब्लिक मीटिंग वॉज ऑर्गेनाइज एट जलियांवाला बाग इन अमृतसर टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द अरेस्ट ऑफ नेशनल लीडर्स. क्या हुआ था, इसमें जलियांवाला बाग मसाकरे के लिए एक मीटिंग बुलाई गई थी अमृतसर के जलियांवाला बाग में और वो मीटिंग का मेन टॉपिक था रॉवल्ट एक्ट. रॉवल्ट एक्ट ब्रिटिशर्स का एक न्यू लॉ था जिसके अकॉर्डिंग कि एनी पर्सन हु अपोज द पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश कुड बी सेंटेंस टू जेल फॉर ए लॉन्ग टाइम. कि कोई भी पर्सन
जो ब्रिटिशर्स की पॉलिसी से किसी भी रूप में खिलाफ है तो उसको सेंटेंस टू जेल, इट मींस एक लंबे टाइम के लिए जेल भेजा जाएगा और वापस कब आएगा जिसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। इसके और इस वजह से उन्होंने काफी सारे रिवॉल्यूशनरीज को अरेस्ट भी कर लिया था। तो उनके अरेस्ट के खिलाफ जलियांवाला बाग में एक मीटिंग बुलाई गई थी और उस जनरल डायर रीच द मीटिंग पहले प्लेस अलोंग विद द ब्रिटिश ट्रॉप्स। उस समय ब्रिटिश ऑफिसर कौन था? जनरल डायर। ही ऑर्डर द ट्रॉप टू फायर, उसने अपनी पूरी आर्मी को ऑर्डर दिया फायर करने का और ये फायरिंग अप्रोक्स 10 मिनट्स तक चली। सोल्जर्स ने मशीन गनों से फुल फायरिंग करी और उसमें थाउजेंड्स ऑफ पीपल किल्ड हो गए, मारे गए एंड मैनी वर वुंडेड, बहुत सारे घायल हो गए। इस मोमेंट को, इस इंसिडेंट को जलियांवाला बाग मसाकर के नाम से जाना जाता है। ये एक बहुत ही भयंकर दुर्घटना के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो गांधी जी ने स्टार्ट किया था और ये 1920 से 1922 तक चला था। ये स्टार्ट हुआ था 1920 में और 1922 तक रहा था। तो नॉन कॉपरेशन मीन्स असहयोग आंदोलन। ब्रिटिशर्स को हम लोग किसी भी तरह से सपोर्ट नहीं करेंगे और उनका विरोध करेंगे। इसमें क्या क्या बातें थी? सरेंडर ऑफ ऑल टाइटल्स एंड गवर्नमेंट पोस्ट। इंडियंस ने उनको, ब्रिटिशर्स ने जो भी सम्मान दिया था वो और सारी गवर्नमेंट पोस्ट उन सबको सरेंडर कर दिया कि हमें तुम्हारा दिया हुआ कुछ नहीं चाहिए। बॉयकॉट ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स एंड कॉलेजेस, सरकारी स्कूलों और कॉलेजों इन सबका उन्होंने बहिष्कार कर दिया, सब छोड़ दिया कि हम तुम्हारी कोई भी फैसिलिटीज नहीं लेंगे। बॉयकॉट ऑफ ऑल फंक्शंस ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिशर्स के सारे कामों को उन्होंने बहिष्कार कर दिया। बॉयकॉट ऑफ लॉ कोर्ट, अदालतों जो कोर्ट्स थे उन सबको भी उन्होंने बॉयकॉट कर दिया, बहिष्कार कर दिया। बॉयकॉट ऑफ ऑल फॉरेन आर्टिकल्स, सारे फॉरेन आर्टिकल्स जो बनाए गए थे विदेशों के जो भी सामान बन के आते उन सबका भी बहिष्कार कर दिया, उन सबको भी यूज में लेने से मना कर दिया। गिविंग अप द पॉलिसी फॉर इंडियन सोल्जर इन मेसोपोटामिया, इंडियन सोल्जर्स को मेसोपोटामिया में भेजने की जो उनकी पॉलिसी थी वो भी उन्होंने छोड़ दी, सोल्जर्स ने फॉलो करने से मना कर दिया। न्याय पंचायत बनाई गई। डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, इंडिया में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट के एफर्ट्स किए गए। डेवलपमेंट ऑफ कम्युनल हार्मनी, धर्म के नाम पर वो आपस में भाईचारे के एफर्ट्स किए गए बनाए रखने के। यूज ऑफ स्वदेशी आर्टिकल, अपने देश में बने हुए आर्टिकल्स का ही यूज में, सामानों का ही यूज में लेने के लिए कहा गया। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल स्कूल्स, इंडिया में नए नए स्कूल्स खोले गए। एंड ऑफ अनटचेबिलिटी एंड कास्ट सिस्टम, अनटचेबिलिटी और कास्ट सिस्टम को खत्म कर दिया गया। एंड अडॉप्शन ऑफ नॉन वायोलेंस एंड इन द होल कंट्री, पूरे कंट्री में अहिंसा को अपनाया गया। नाउ नेक्स्ट डे सिविल डिसऑबिडियंस मूवमेंट। सिविल डिसऑबिडियंस मूवमेंट मीन्स सविनय अवज्ञा आंदोलन, मीन्स हम ब्रिटिशर्स को डिसऑबे तो करेंगे लेकिन तरीके से, किसी भी तरह से वायोलेंस यानी कि हिंसा नहीं करेंगे। तो ये रिवॉल्व, ये जो मूवमेंट था ये भी गांधी जी ने लीड किया था। एंड यू नो ऑल कि गांधी जी जिस भी मूवमेंट को लीड करेंगे उसका क्या रूल होगा, नॉन वायोलेंस यानी कि अहिंसा। गांधी जी लीड ए मार्च ऑन फुट फ्रॉम साबरमती टू दांडी। और ये जो सिविल डिसऑबिडियंस मूवमेंट था इसका एक मेन कॉन्सेप्ट सॉल्ट मार्च भी था, बिकॉज उस समय ब्रिटिशर्स ने सॉल्ट पर हैवी टैक्सेस लगा दिए थे। तो गांधी जी अपने जो सत्याग्रही थे 79 आश्रमिक जो उनके आश्रम में रहते थे, उनके साथ में सत्याग्रह किया था, उनके साथ में साबरमती आश्रम से वो दांडी गए थे और वहां जाकर के उन्होंने सॉल्ट बनाया। तो अपने हाथों से दांडी के सी शोर पर, समुद्र के वहां पर सॉल्ट बनाया और सिविल डिसऑबिडियंस मूवमेंट की उन्होंने शुरुआत करी। तो यह था सिविल डिसऑबिडियंस मूवमेंट। नाउ नेक्स्ट डे क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट ये 1942 में हुआ था। कांग्रेस हेल्ड ए मीटिंग एट वर्धा इन जुलाई 1942 एंड पास्ड अ क्विट इंडिया रिजोल्यूशन विच स्टेटेड ब्रिटिश रूल इन इंडिया मस्ट एंड इमीडिएटली। कांग्रेस ने इसके लिए 1942 जुलाई में वर्धा में एक मीटिंग बुलाई जिसमें उन्होंने बोला अब इंडिया में ब्रिटिशर्स का रूल फाइनली खत्म हो जाना चाहिए। तो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी मेट एट बॉम्बे, बॉम्बे में पूरी कांग्रेस कमेटी 8 अगस्त 1942 को असेंबल हुई और ये रिजोल्यूशन पास कर दिया। और ये रिजोल्यूशन अगस्त में पास हुआ था एंड इसी वजह से इसको अगस्त रिजोल्यूशन भी कहा जाता है। बट रिजोल्यूशन के पास होने के नेक्स्ट डे 9 अगस्त को ही गांधी जी और सभी रिवोल्यूशनरीज को ब्रिटिशर्स ने अरेस्ट कर लिया
एंड सबको अलग अलग जगह ठहराया गया. इट वॉज फॉलोड बाय सीवियर रिएक्शंस फ्रॉम द लीडर्स एंड मोर सीवियर रिप्रेसिव मेजर फ्रॉम द ब्रिटिश. कि इस पर रिवोल्यूशनरीज के भी काफ़ी रिएक्शंस हुए थे, विरोध हुआ था एंड ब्रिटिशर्स ने भी इस पर काफ़ी स्ट्रिक्ट एक्शन लिया गया था. गांधी जी को पुणे के आगा खान पैलेस में और अदर रिवोल्यूशनरीज को अहमदनगर में बंद किया गया था. और गवर्नमेंट इस रिवॉल्यूशन को क्रश करने में सक्सेसफुल हो गई. सारे रिवॉल्यूशनरीज अंडरग्राउंड हो गए. बट ये रिवॉल्यूशन और रिवॉल्यूशनरीज ने अंडरग्राउंड रहते हुए 1944 तक कंटिन्यू की थी. तो ये थे इंडिया के रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट्स. नाउ मेजर रिवॉल्यूशनरिस्ट. अब हम स्टडी करेंगे रिवॉल्यूशनरिस्ट के बारे में कि रिवॉल्यूशनरिस्ट कौन थे. नाउ मेजर रिवॉल्यूशनरीज में फर्स्ट नेम है शहीद उधम सिंह. शहीद उधम सिंह रिवॉल्टेड अगेंस्ट द जलियांवाला बाग मसाकरे एट अमृतसर. शहीद उधम सिंह ने जलियांवाला बाग मसाकरे के खिलाफ जो अमृतसर में हुआ था उसके खिलाफ रिवॉल्ट करी थी और इसी वजह से इनको शहीद आई आजाम के रूप में भी जाना आता है. अब क्वेश्चन ये है कि शहीद उधम सिंह आखिर कौन थे, क्या करा था इन्होंने और इनको शहीद आई आजम का टाइटल क्यों मिला. सबको बताया था जलियांवाला बाग मसाकरे हुआ था जिसमें जनरल डायर ने मशीन गनों से काफ़ी गोलियां चलाई थी और लोगों को मार दिया था. तो उसी जलियांवाला बाग मसाकरे में ये उधम सिंह की फैमिली भी थी और ये फैमिली उसमें शहीद हो गई. तो इसी वजह से उधम सिंह काफ़ी हर्ट हुए थे. तो जब जलियांवाला बाग मसाकरे के लिए जनरल डायर को इंग्लैंड में रिवॉर्ड दिया जा रहा था तो उधम सिंह ने वहां जाकर के इन्हें उसको जनरल डायर को शूट कर दिया और वहाँ पर पुलिस ऑफिसर्स ने उधम सिंह को भी शूट कर दिया और उससे उधम सिंह शहीद हो गए. तो इसीलिए इनको शहीद आई आजाम के रूप में जाना जाता है. नाउ द नेक्स्ट रिवॉल्यूशनरिस्ट इज महात्मा गांधी. आई नो ये नेम आपके लिए कोई अननोन नहीं है. ही इज नोन एज फादर ऑफ नेशन. फादर ऑफ नेशन के रूप में जाने जाते हैं और इंडिया के इंडिपेंडेंस के लिए जो बहुत सारे मूवमेंट हुए जो इन्होंने ही चलाए थे, इन्होंने ही लीड किए थे. एंड द मेन वेपन ऑफ गांधी जी वॉज ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस. गांधी जी का जो मेन वेपन था वो क्या था, सत्य और अहिंसा. नाउ नेक्स्ट रिवॉल्यूशनरी इज लाला लाजपत रॉय. लाला लाजपत रॉय रिवॉल्टेड अगेंस्ट द ऑल ब्रिटिश साइमन कमीशन. ही वॉज बीटन बाय द ब्रिटिश विथ स्टिक्स जॉन सॉन्डर्स के थ्रू. अब आप पूछेंगे लाला लाजपत रॉय क्या था, जॉन साइमन कमीशन क्या था, जॉन सॉन्डर्स ने इनको क्यों पीटा. मैं आपको बता दूं, लाला लाजपत रॉय लाहौर में रिवॉल्ट को लीड कर रहे थे और उस समय इंडिया में ब्रिटिश का एक नया कानून आया साइमन कमीशन. यह आया था 3 फरवरी 1928 को. ये तो साइमन कमीशन था, ये 5 मेंबर्स की एक टीम थी जिसमें एक भी इंडियन नहीं था और इसी की वजह से इसका पूरे भारत में विरोध हुआ एंड हर जगह साइमन गो बैक के नारे लगे और पुलिस ने सभी रिवॉल्यूशनरीज को अरेस्ट कर लिया वहां. और उसी समय एक ब्रिटिश ऑफिसर जॉन सॉन्डर्स, ये नाम आप दे सकते हैं, वो लिखा है जॉन सॉन्डर्स, उसने इन्हें जेल में इतना बुरी तरह से स्टिक से पीटा कि उसी की वजह से इनकी डेथ हो गई. तो ये थे लाला लाजपत रॉय. नाउ नेक्स्ट इज चंद्रशेखर आजाद. चंद्रशेखर आजाद जो एक बहुत ही हेवी रिवॉल्यूशनरी वो एक्सट्रीमिस्ट रिवॉल्यूशनरी के रूप में जाने जाते हैं. ही ब्लू द वाइसरॉय ट्रेन बॉम्ब द ब्रिटिश असेंबली. उन्होंने वाइसरॉय की ट्रेन पर एंड ब्रिटिश असेंबली दोनों में ही बॉम्ब ब्लास्ट किया था और 27 फरवरी 1931 को शहीद हो गए. नाउ द नेक्स्ट शहीद भगत सिंह. शहीद भगत सिंह वॉज सेंट टू गैलोज एट द एज ऑफ 24. गैलोज, योर क्वेश्चन इज व्हाट इज गैलोज. गैलोज मतलब फांसी पे चढ़ाना. तो शहीद भगत सिंह को 24 ईयर्स की एज में 23 मार्च को फांसी पर चढ़ा दिया गया. आपका क्वेश्चन कि आखिर उन्हें फांसी क्यों दी गई. तो अब मैं आपके इस क्वेश्चन का आंसर दे दूं. भगत सिंह और उनके फ्रेंड सुखदेव एंड राजगुरु ने जॉन सॉन्डर्स, वो जॉन सॉन्डर्स जो लाला लाजपत राय की डेथ का रिस्पॉन्सिबल था, उसको शूट कर दिया और इन्होंने भगत सिंह और उनके एक फ्रेंड्स ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली पर भी बॉम्ब ब्लास्ट किया था जिस वजह से उन्हें और उनके फ्रेंड्स को अरेस्ट कर लिया गया और 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई. नाउ नेक्स्ट रिवॉल्यूशनरी इज रानी लक्ष्मीबाई. रानी लक्ष्मीबाई जिन्होंने रिवॉल्यूशन में सबसे ज्यादा फेमस रही और ये इसलिए फेमस रही कि एक औरत होकर भी इन्होंने ब्रिटिशर्स के नाक में दम करा था. चलिए इनके बारे में मैं आपको बहुत डिटेल में स्टडी करवा देती हूँ बिकॉज लेडीज में ओनली यही थी जो इतनी फेमस होती थी रिवॉल्ट में.
हालांकि लड़ी बहुत सारी थी लेकिन खास नाम इन्हीं का था। तो यह है इनका हर चाइल्डहुड नेम वाज मणिकर्णिका और मनु। इनका बचपन का नाम मणिकर्णिका था और इनको प्यार से मनु बुलाते थे। आफ्टर द डेथ ऑफ हर मदर शी केम टू बिठूर विद हर फादर। उनकी मदर की डेथ के बाद वो उनके फादर के साथ में बिठूर आ गई। इन बिठूर शी लर्न्ड हॉर्स राइडिंग एंड मार्शल आर्ट्स। बिठूर आकर के इन्होंने घुड़सवारी और तलवारबाजी हथियार चलाना सीखा। और जब वो 8 ईयर्स की थी तब वो शी वॉज मैरिड टू राजा गंगाधर राव ऑफ झांसी। झांसी के महाराज गंगाधर राव के साथ में उनकी शादी हो गई। शी वॉज कॉल्ड रानी ऑफ झांसी। इन 1851 शी गेव बर्थ टू ए सन। 1851 को उनके एक बेटा हुआ था। इन 1853 को उनके बेटे और उनके हस्बैंड दोनों की डेथ हो गई। देन 1857 के रिवॉल्ट में इनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा। तो 1857 से 1858 तक जो एक साल तक की रिवॉल्ट चली थी, द ब्रिटिश इन इंडिया, लक्ष्मीबाई द रानी ऑफ झांसी इन सेंट्रल इंडिया। तो रानी ने इंडिया, रानी ने इंडिया, सेंट्रल इंडिया को लीड किया था। इज ड्रॉन इनटू द सिपॉय रिबेलियन, ए पॉपुलर अपराइजिंग अगेंस्ट ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ इंडिया के, सेंट्रल इंडिया को लीड किया था। मार्शल आर्ट्स में काफी एक्सपर्ट थी और ये 1858 में शहीद हो गई थी। तो ये थे हमारे रिवॉल्यूशनरिस्ट। उसके अलावा ये सारे रिवॉल्यूशनरी सब जैसे थे शहीद भगत सिंह, राम गोपाल सिंह खारवा, चंद्रशेखर आजाद, लाला लाजपत राय, सुखदेव एंड अदर्स। तो ये जो रिवॉल्यूशनरीज थे इन सब के एफर्ट्स की वजह से ही हमें फ्रीडम मिली है। ऐसा नहीं है कि फ्रीडम हमें एक दिन में मिल गई। तो हमें इन सभी रिवॉल्यूशनरीज का सम्मान करना चाहिए। थैंक्स फॉर